गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मॉर्निंग के अभी 10:30 बज रहे हैं। शिट यार, कल जैसे कि आपको बताया था कि 1:00 पे तो हम निकले ही थे वहाँ से, और घर पे आते आते वही 1:45 तक हो गया था। तो लेट नाइट ही सोना हुआ था, मतलब वही मैं 3 बजे सोई हूँ नाइट के। और वहाँ तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बट घर आने के बाद तो इतना हेड एक अभी उठी हूँ और अभी मैं अपनी गर्मा गर्म चाय लेके आई हूँ। ये देखो, ये रखी है मेरी चाय। सबसे पहले चाय लूँगी ये कशिश के साथ चाय। एक चीज़ और बतानी थी गाइस, कल जब मैं लेट नाइट पार्टी जब मैं पार्टी के लिए जा रही थी तो मेरे पास काफ़ी सारे नेल पेंट हैं, लेकिन मैं नेल पेंट लगाना ही भूल गई। तो मैंने कल ये ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाया था ड्रेस के मैच का। मेरा जो ड्रेस था वो डार्क ब्लू था, मार्केट से लेना पड़ा, तो मैंने ये ब्लैक कलर का L18 का नेल पेंट लिया है। और कैसा लग रहा है मेरे हैंड पे, प्लीज़ बताना मुझे। तो अच्छा लग ही रहा है, आप बताना कमेंट्स करके। कैची तो जी गाइस, आफ्टरनून हो चुका है और आफ्टरनून में मैंने बनाया है लंच में आज तोरी की सब्ज़ी। जी हाँ, और देख सकते हैं आप, यहाँ पे आटा लग चुका है, चपाती बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे खाना रेडी भी हो गया है। और ये मैं लेके जा रही हूँ अंकल के लिए। ये देखिए कैसे वेट में बैठे हुए हैं, उनको पता था कि खाना आने वाला है, तो अभी सुनते हैं उनको। आज मैंने बनाई है तोरी। तोरी बहुत बहुत बढ़िया फेवरेट है इनकी। तो तोरी, भूख लग रही थी ना आपको? ज़्यादा मिर्च तो नहीं है? ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, ठीक है। हरी मिर्च नहीं डाली मैंने, लाल मिर्च डाली है। कम कर लिया करो, ज़्यादा खा के देखो। इतना तो चटपटा होना चाहिए ना, थोड़ा सा है वो चटपटी यही। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, आज चाय नहीं ले रही हूँ, कॉफ़ी नहीं ले रही हूँ, आज ले रही हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, इवनिंग का टाइम है और समोसे खाने का मन कर रहा था, तो हम लोगों ने समोसे मंगाए थे, तो हमारे आ चुके हैं समोसे और अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो जी गाइस, इवनिंग के 5:00 हो चुके हैं और अभी एक गर्मा गर्म समोसे मंगाए हैं, अंकल को देने जा रही हूँ। गुड इवनिंग अंकल जी, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। समोसे आपके लिए, थोड़ा सा किनारा टूट गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेरी गुड। खाइए खाइए, बढ़िया। चलिए तो चाय पीजिएगा। शाम कैसा लग रहा है? जैसे मतलब फीवर फील हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अभी थर्मामीटर नहीं है वरना मैं चेक करती। लग रहा है जैसे 102 बुखार है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। टैबलेट लेके आई हूँ, डोलो की टैबलेट है, तो अभी खा लेती हूँ इसको, उसके बाद मैं देखती हूँ कितना रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा चाय लेने का मन कर रहा है आफ्टर डिनर। डिनर भी मैंने ऐसे ही किया है, ज़्यादा खास तरीके से नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से ही किया है। तो ये टैबलेट ले लेती हूँ, इधर मैंने चाय बना ली है अपनी। गाइस, आज कुछ भी करने का मन नहीं किया पूरे दिन में। मैं तभी बोल रही थी कि आज मन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है मेरा, फीवर फील हो रहा था, ऑयलिंग करा लिया, मालिश वाली दीदी से ऑयलिंग करा लिया, और अभी हेड इतना अब हैवी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी है, बॉडी पेन। अभी टैबलेट ले ली है, अभी मेरे को स्वेटिंग होगा, मुझे पता है जब भी मैं फीवर की टैबलेट लेती हूँ तो स्वेटिंग होता है, और उसके बाद
बॉडी बहुत नॉर्मल फील होने लगती है गाइस। तो अभी मैं चाय ले लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। वेट, तो जी गाइस चाय लेके आ चुकी हूँ मैं। को बांध लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो गाइस मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और आपके कमेंट के मैंने आंसर भी किए एक्चुअली, और जो अच्छे कमेंट्स थे मैंने मेरे को डाइजेस्ट हो गए, और जो अच्छे नहीं थे वो भी डाइजेस्ट हो गए, बट मुझे वो रिमूव करने पड़े बिकॉज मतलब समझ नहीं आता कि लोगों की मेंटलिटी इतनी ख़राब क्यों होती है जब उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, बट वो किसी दूसरे की प्रोफाइल में जाके कुछ ना कुछ उनको नॉनसेंस ग्री करनी है और वो करते हैं। बट आई डोंट केयर अबाउट दिस गाय। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो सिर्फ बैड लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास माँ नहीं है, बहनें नहीं हैं, क्या करेंगे, यही करेंगे वो लोग। किसी की तकलीफ से, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी के लिए गलत अपशब्द बोलना, बस यही आता है उनको। और ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो बिना सोच के ये बातें बोलते हैं। अगर इंसान खुद चीज़ें सोचने के बाद दूसरे को बोलता है तो उसको चीज़ों के बारे में पता होता है कि यार अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा, या हम किसी को विदाउट रीज़न ऐसे कैसे बोल सकते हैं। सो सिंपल फंडा है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ ही रहे होंगे कि बैड कमेंट्स के बारे में बातें कर रही हूँ मैं। अभी रिसेंटली एक रील डाला था मैंने, एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो सिर्फ वो एक दर्द था, एक पेन था फादर के लिए। वो टाइम पे अगर मैंने वीडियो बना ली तो वो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हाँ मुझे भी पता होना चाहिए, मैं कभी उसको देखूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो कि हाँ मेरे फादर हैं, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड। बट उसका भी गलत मीन निकाल के लोगों ने, और बल्कि इवन मैंने लिखा भी था कि प्लीज़ डोंट बैड कमेंट्स, मैंने लिखा था। बट अफसोस है ऐसे लोगों पर जो आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स। मैं वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ऐसे लोग इतना गिर जाते हैं नज़रों से, इतना गिर जाते हैं कि बस उनका जिक्र करना ही बेकार है गाइस। पर जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ लोग जो मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स कर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मुझे है ना, मुझे मैं बूस्ट फील करती हूँ गाइस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरी चीज़ों को समझते हैं, मेरे को कमेंट्स करते हैं, मेरे डेली व्लॉग्स देख रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच गाइस, तहे दिल से थैंक यू वेरी। लोगों पे आजकल टाइम ही नहीं होता है तो, बट आप टाइम निकाल के मेरी चीज़ें देख, मैं थैंक यू बोलती हूँ। आज बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी बिकॉज तबीयत अच्छे से फील नहीं हो रहा है मुझे। आप बोलोगे कशिश कल बहुत सारा डांस किया था तुमने, इसलिए तुमको तुम बीमार पड़ गई, आप यही बोलोगे। मैं खत्म कर रही हूँ, पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी विजिटर्स हैं वोट कीजिएगा गाइस। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से दिखूंगी आपको। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, गुड नाइट।